मकसूदनगढ़ चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह की धन्यवाद यात्रा आज मकसूदनगढ़ पहुंची। यहां मकसूदनगढ़ वासियों ने चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का काफिला बुना रोड होता हुआ मकसूदनगढ़ के विभिन्न मार्गों से गुजरा। यहां पर लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ लक्ष्मण सिंह जी का स्वागत किया, जिसमें जगह जगह चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को फलों के साथ तोला भी गया। मकसूदनगढ़ में चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सभा को संबोधित भी किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चांचौड़ा में विधायक लक्ष्मण सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम मुद्दों पर मीडिया से चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बातचीत की। समर्पित करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जीएसटी में भी जितनी रियायत दुकानदारों को दे सकेंगे उनको दी जाएगी। ये चर्चा मुख्यमंत्री जी से हुई है, मुख्यमंत्री जी इसके प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार को एक प्लान बना के दे रहे हैं जिससे कि छोटे छोटे व्यापारियों को कम से कम जीएसटी से मुक्त किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। वो तो नई एम्बुलेंस आ रही है, उसके आदेश हो गए हैं, बहुत जल्दी आ रही है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस एक प्राइवेट कंपनी से दिलवाने की मैंने बात की है, तो दो एम्बुलेंस हो जाएंगी जो जिसमें इक्विपमेंट पूरा लगा रहेगा और वो घूमेंगी और गाँव गाँव में जाके मरीजों को ला के जहाँ अस्पताल में भेजना। क्योंकि अभी भी यहाँ पे वही एम्बुलेंस काम कर रही है जो आप सांसद थे उस समय, आपने सांसद निधि से एम्बुलेंस दी गई थी जस्टिस के बाद मधुसूदन में कोई वो भी खराब पड़ी है। मधुसूदन में बड़ी तहसील है यहाँ पर राजस्व हमले की कमी महसूस की जाती है, और एसडीएम यदि यहाँ रेगुलर यहाँ हो सके। मेरा ये मानना है कि राजस्व हमला जितना कम रहे उतने लोग सुखी रहते हैं, जितना ज्यादा होता है उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक कहा है कि कलेक्टर का नाम बदलेंगे। अंग्रेजों के जमाने से चला रहा कलेक्टर यानी रेवेन्यू कलेक्शन, क्या होता है कि राजस्व का मामला बड़ा सिंपल है। आजकल फोन में ऐप आ गया है जमीन नापने का, आप फोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी जमीन खड़े होकर जमीन पे नाप सकते हैं। तो ये जो पुराना ढर्रा चल रहा है टोडरमल समय का, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।